हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निपा वायरस। इसका बहुत खौफ है और लोग डरे हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उसी निपा वायरस की बात करूंगा जिस वायरस के आतंक से न सिर्फ लोग सदमे में हैं, बल्कि इस वायरस की चपेट में आने से अब तक करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और निपा वायरस को यह लेकर बात सामने आ रही है कि चमगादड़ से ही इस वायरस के फैलने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। मगर अभी एक रिपोर्ट आई है, एक जांच हुई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि चमगादड़ इसके फैलने का कारण नहीं है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यह निपा वायरस है, इसने 12 लोगों की जान ले ली है, किस किस से ये संक्रमित होता है और कैसे लोगों की मौत हो रही है और ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में अपन इसी वीडियो में बात करेंगे। आप देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करें और ये जो घंटे वाला बटन है इसको दोबारा ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। निफा वायरस जिसके कारण 12 लोगों की मौत हुई है, शुक्रवार को अधिकारियों ने केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम में 12 जिंदगियां छीनने वाले निफा वायरस के फैलने के पीछे चमगादड़ के होने की बात से इनकार किया है। ये जो टीम है, इसने जांच के बाद में ही ये डिसाइड किया है, क्योंकि भोपाल में उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला में चमगादड़ और सुअरों के कुल 21 नमूने भेजे गए थे, चमगादड़ और सुअरों के, ध्यान से देखिए। लेकिन शुक्रवार की देर रात शाम देर प्राप्त परिणामों के मुताबिक सभी नकारात्मक पाए गए। सारे के सारे जो 21 जो नमूने लिए गए थे वो सारे नेगेटिव मिले हैं। इस सप्ताह के शुरू में ही केंद्रीय पशु पालन आयुक्त एसपी सुरेश की अगुवाई वाली एक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जानवरों की जांच की और कहा कि जानवरों में निपा वायरस की किसी भी तरह की कोई भी घटना की पहचान नहीं हुई है। इस वायरस से सिर्फ इंसान प्रभावित हुए हैं, कोई जानवर पशु पक्षी कुछ भी कोई प्रभावित नहीं हुए हैं। भोपाल में लैब में कई सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से चमगादड़ भी शामिल था, जो पेरम्बरा गाँव में निपा वायरस के पीड़ित मूसा के घर मिले थे। बता दें कि मूसा के दोनों बेटों और रिश्तेदार की इसी वायरस से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी 21 सैंपल पेरम्बरा और उसके आसपास के इलाकों से इकट्ठे किए गए थे, वो 21 के 21 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। किसी में उनकी वायरस होने की कोई अभी तक जांच की पुख्ता खबर नहीं मिली है। NIV का ट्रांसमिशन, जो एक वायरस है, NIV बीमारी है, इसका ट्रांसमिशन संक्रमित चमगादड़, सुअर या अन्य NIV संक्रमित लोगों से सीधे संपर्क में आने से होता है। आप ध्यान रखिएगा किससे फैलता है। NIV का ट्रांसमिशन संक्रमित चमगादड़, सुअर या अन्य NIV संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने से होता है, मगर जो परिणाम सामने आए हैं इससे यह पुष्टि होती है कि यह निपा वायरस चमगादड़ों से नहीं हुआ है। इसलिए अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों को मद्देनजर रखते हुए और जाँच करने का फैसला किया है कि अब इसकी दोबारा से जांच होगी और वापस से नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस वजह से, किस जानवर की वजह से या इंसान की वजह से ये कहां से आया है, इसकी अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों के संपर्क में कम से कम रहे, बीमार लोगों से दूर रहें और ये जो इलाका है टेरल के आसपास का, यहाँ पर आप थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि अभी तक जाँच नहीं हुई है। कुछ भी संभावित कारण हो सकते हैं कि किस वजह से फैल रहा है और इसमें सीधी मौत हो रही है, 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसकी अभी यही खबर थी, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको मिलेगी इसी चैनल पे। देखते रहिए टेक एनसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।